तमाम तरह के जागरूक कार्यक्रम चलाने के बाद भी आम लोगों के साथ अधिकारी भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। ठगी करने वाले एक कदम आगे बढ़कर लोगों के साथ कर रहे हैं ठगी। ठगों ने इस बार किसी आम आदमी को नहीं बल्कि ट्रेनी डिप्टी एसपी को ठगी का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मुरादाबाद भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी में डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग हासिल कर रही ऐश्वर्या उपाध्याय ठगी का शिकार बन गई। साइबर ठगों ने उनके दो बैंक अकाउंट से 1,95,183 रुपये की ठगी कर ली। ट्रेनी डिप्टी एसपी ऐश्वर्या उपाध्याय ने ठगी की शिकायत थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई। लिखित शिकायत के मुताबिक उन्हें एक कुरियर आने वाला था। कुरियर डिलीवरी न होने पर उन्होंने गूगल सर्च कर कुरियर कंपनी का नंबर लिया, जिसके बाद गूगल पर मिले नंबर पर उन्होंने कॉल किया और डिलीवरी न आने की बात कही। उधर से कॉल रिसीव होने पर बताया गया कि कंप्लीट एड्रेस न होने की वजह से आपका कुरियर नहीं पहुँच पाया है, जिसके बाद उन्होंने एक लिंक उनकी मेल आई डी पर शेयर किया। उस लिंक को क्लिक करने के बाद UPI के जरिए उन्होंने 2 रुपये लिए, जिसके बाद उनके दो अकाउंट से 1,95,183 रुपये ठग लिए गए। ठगी का शिकार डिप्टी एसपी ने इसकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराई और थाना सिविल लाइन में शिकायती पत्र दिया। एसपी हेमराज मीना के मुताबिक ट्रेनी डिप्टी एसपी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साइबर टीम के साथ ही थाने की टीम भी इस मामले पर वर्क कर रही है। सर, पुलिस अकादमी में ट्रेनी डिप्टी एसपी हैं, उनके साथ 1,95,000 रुपये की ठगी की गई है, क्या कार्रवाई इसमें? देखिए, इसमें थाना सिविल लाइन में IPC की धारा 420 और 66 DIT एक्ट में है, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें हमारी जो थाने की टीम और जो साइबर सेल की जो टीम है वो काम कर रही है और जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाए। ये इनसे इनके पास में कोई मैसेज आया था और फिर उसके बाद में उनकी UPI ID के माध्यम से ये जो ट्रांजेक्शन है ये हुआ, उसी में उनके दो अकाउंट से इसमें पैसा कटा है उनका।